वीडियो एंड डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ मैं अपने डाइट पे। पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये मेरी डाइट है एंड ये विंटर आर्क में ये पूरा जो विंटर स्टार्ट हो रहा है इसमें मैं यही फॉलो करने वाला हूँ। एंड अभी नवदुर्गा की वजह से मेरा थोड़ा सा चिकन बंद है इसलिए थोड़ा सा डाइट मेरा इनकम्प्लीट है, बट जैसे ही नवदुर्गा खत्म होता है मैं दोबारा से चिकन स्टार्ट कर दूंगा एंड ये प्रॉपर मेरी डाइट है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट बना सकते हैं अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग। आप ये सोचो कि आप इसको पूरा एक्यूरेट फॉलो करो तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपको बॉडी टाइप अलग है मेरा बॉडी टाइप अलग है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी एपेटाइट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करके अपने लिए बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट मील से। तो फर्स्ट मील रहेगी मेरी प्री वर्कआउट मील, बिकॉज मैं मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहा हूँ। तो हमारी प्री वर्कआउट मील रहेगी मल्टी ग्रेन ब्रेड के 2 स्लाइस, 1 स्पून पीनट बटर एंड 1 बनाना। इसका सैंडविच बना के मैं अपनी प्री वर्कआउट में लेता हूँ एंड इसके कैलोरीज एंड प्रोटीन आपको यहाँ दिख जाएंगे। और इस डाइट में मैं बिल्कुल भी सप्लीमेंट ऐड नहीं करने वाला हूँ, ना प्रोटीन ना क्रिएटिन, मैं कुछ भी ऐड नहीं करने वाला हूँ। ये प्रॉपर घर के खाने की डाइट होने वाली है। और हमारी पोस्ट वर्कआउट मील होने वाली है 180 ग्राम चिकन और 200 ग्राम राइस विद 1 कुकुम्बर मतलब खीरा। और इसके मैक्रोज आपको यहाँ देख जाएंगे प्रोटीन एंड कैलोरीज। एंड हमारी थर्ड मील होने वाली है 5 whole eggs का ऑमलेट एंड घर का खाना। यहाँ पे आपको प्रोटीन एंड कैलोरीज ऑमलेट के लिख रहा हूँ मैं। घर का खाना आपका जो बना होगा मैं उसे काउंट नहीं कर रहा, जो बना होगा आप उसके साथ वो खा सकते हैं। पर एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप गेनिंग कर रहे हैं ना कुछ चीजें आप ना भी काउंट करो तो चलेगा, मतलब एक्स्ट्रा में आप खा सकते हो। और हमारी फोर्थ मील होने वाली है स्मूदी, जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि स्मूदी बहुत इजी वे है अपनी कैलोरीज को बढ़ाने का। एक कैलोरी शेक जो हाई कैलोरी शेक होता है सबसे ज्यादा इजी है वो। उसको बनाना कैसे है, उसमें आपको 100 ग्राम ओट्स लेने हैं, 2 चम्मच पीनट बटर लेना है, 15 बादाम लेने हैं और 250 ml मिल्क में उसको आपको शेक करके पीना है। इसके प्रोटीन और कैलोरीज आपको यहाँ दिख जाएंगे। अब हमारी फिफ्थ मील आने वाली है जो कि है बिल्कुल सेम टू सेम सेकेंड मील की तरह, मतलब पोस्ट वर्कआउट मील की तरह। इसमें भी रहेगा 180 ग्राम चिकन एंड 200 ग्राम राइस विद 1 कुकुम्बर। मैक्रोज हमारे सेम होने वाले हैं प्रोटीन एंड कैलोरीज। सिक्स्थ मील अगेन स्मूदी 2 बार डाली है मैंने इसमें, एक फोर्थ मील में एंड एक सिक्स्थ मील में। सेम इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, सेम कैलोरीज एंड प्रोटीन रहेंगे। स्मूदी का एक सीन है ये है ना, 2 ग्लास में बनेगा आपके। आप चाहें अगर आपकी एपेटाइट ज्यादा अच्छी है तो आप उसको एक ही बार में पी सकते हो, और अगर आप नहीं पी पा रहे जैसे मैं एक बार में नहीं पीता हूँ, मैं उसको 30 मिनट्स के गैप में पीता हूँ। तो मैं इसको पूरा बनाने के बाद 2 ग्लास बन जाता है एंड उसको 30 मिनट्स का गैप लेके दोनों ग्लास को पीता हूँ। तो आप ऐसे भी पी सकते हैं, बहुत इजी लगेगा। और ये सिक्स्थ मील हमारी लास्ट मील थी, ये रही हमारी पूरी डाइट। इसके टोटल कैलोरीज एंड टोटल प्रोटीन आपको यहाँ दिख जाएगा। आप इसे अगर एक्यूरेट फॉलो करने का भी ट्राई करते हैं तो आप थोड़ा बहुत ही कम रह जाएंगे, लेकिन अगर आप एक्यूरेट फॉलो कर पा रहे हैं गेनिंग के लिए तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि अपने डाइट में डाइजेस्टिव एंजाइम जरूर ऐड करना जिससे आपको थोड़ा डाइजेशन में हेल्प मिले। चाहे तो आप डॉक्टर से सिरप लिखवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप यही डाइट फॉलो करते हैं या कोई भी ऐसी डाइट फॉलो करते हैं जिसमें आपको पुश करना पड़ रहा है, तो अगर आपका 3 से 4 दिन या 1 हफ्ता भी आपका थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहता है तो ये मत सोचना कि वो डाइट आपके लिए नहीं बनी, वो बस आपको आदत नहीं है उसकी लेने की। जैसे ही आप इसे लेते जाओगे ओवर द टाइम आपको रियलाइज होगा कि आपकी बॉडी ने उस डाइट को अडेप्ट कर लिया है। सो गाइस ये थी हमारी पूरी डाइट विदाउट सप्लीमेंट्स की। इसमें ना ही मैंने क्रिएटिन ऐड किया है ना ही मैंने प्रोटीन ऐड किया है, पूरे घर के खाने से मैंने पूरी डाइट बनाई थी एंड ये सारी कैलोरीज एंड प्रोटीन पूरे घर के खाने की है। एंड स्टिल अगर आप वो घर के खाने में से कोई मील मिस करते हैं, लाइक आप खा नहीं पा रहे हैं, आप बहुत फुल हो गए हैं, आपको वॉमिट जैसा फील हो रहा है, आप बिल्कुल भी नहीं खा पा रहे हैं, बट आपके बॉडी को तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ही, उस दिन का आपको प्रोटीन मिस नहीं करना है। अगर आपको उस दिन का प्रोटीन इंटेक पूरा करना है बट अगर आप मील नहीं खा पा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बायोजाइम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इजी वे है अपना प्रोटीन को पूरा करने का। हमेशा ध्यान रखना प्रोटीन लेने से पहले कि ऑफलाइन तो लो ही मत। मेरे अकॉर्डिंग ऑफलाइन का क्या सीन होता है, या तो आपने बिल्कुल ट्रस्टेड हो, बिल्कुल अपना ना तुम्हें पता हो कि भाई यही है, क्योंकि आजकल ना ट्रस्ट में ही बहुत ज्यादा काट देते हैं। ऑफलाइन तुम्हें फेक सप्लीमेंट्स चिपका देते हैं, क्योंकि मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ऑफलाइन लिए हैं, मुझे पता चला है कितना फेक ये मार्केट चल रहा है। मैं कहूंगा कि आप इसे ऑनलाइन परचेस करो ऑफिशियल वेबसाइट से और अपने भाई का कोड यूज करो Ricky30, जिस पे आपको मिलेगा बहुत ज्यादा अच्छा डिस्काउंट एंड जेन्युइन सप्लीमेंट। इसका आप यहाँ पे बार कोड रहता है इसके पीछे, आप इसको स्कैन करके इसकी ऑथेंटिसिटी का भी पता कर सकते हैं। एंड हमेशा प्रोटीन जब भी खरीदो ऑथेंटिक खरीदो, और जब भी कोई मील मिस हो तो आप इसका 1 स्कूप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। एंड हमेशा ध्यान रखना कि मसल प्लेस से कुछ भी शॉपिंग करते हो तो हमेशा अपने भाई का कोड Ricky30 यूज करें, जिससे आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल सके। तो गाइस ये थी हमारी आज की पूरी डाइट। अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड कुछ भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट में आके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।